आज आमी सामी कार्यक्रम रे माय आपा बात कर हां सीमांत सुरक्षा रे प्रहरी उत्तर भड़केवाड़ भाटियों री नगरी जैसलमेर रे राजवंशरा 43वां वंशज महारावल ब्रजराज सिंह जी हां। इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ सोसाइटी री तरफ सु विकास रत्न गोल्ड अवार्ड हों अलंकृत करी जे हा। 19 दिसंबर 2002 ने इड्रा हों एक्सीलेंसी इन टूरिज्म अवार्ड और अबार्ड नामक संस्था की तरफ हों नेशंस विकास ज्योति अवार्ड हों सम्मानित करी जे हा। सर्वप्रथम आज जितना भी अवार्ड मिले जो भी उपलब्धियां हुई वे सारू हूँ भगवान रो आशीर्वाद राजमात साहब रो सहयोग वीरे अलावा जैसलमेर लोगों रो प्रेम और जितना भी कार्यकर्ता है वारे सहयोग से ही ये उपलब्धियाँ मिली है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद में जब वापस हूँ जैसलमेर आयो जब बाहर दुनिया से संपर्क हुयो तब महसूस हुयो कि हर जगह हर भारत के हर कोने में जातिवाद से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही है। आज जो हो रही है जातिवाद रो फैलाव हो रही है उन्हें रोकना बहुत आवश्यक हो तो और इन सारू मैं सर्वधर्म समन्वय समिति रो गठन कियो। पहली मीटिंग बहुत अच्छी रही और अब और भी हर 2 महीने में मीटिंग रखो और जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं जातिवाद के अलावा एक मंच माते बैठ सब धर्म रा लोग चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो एक मंच माते बैठ एक टेबल माते बैठ मैं जितनी भी अपनी समस्याओं है उन्हें सुलझाने की कोशिश कराऊँ। और भविष्य में इन टाइप की प्लानिंग है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू कर और स्टेट लेवल तक और आगे पीछे भारत तक हर मतलब हर भारत हर कोने तक एड़ी भावना सद्भावना फैलाने की कोशिश करूँ। जैसलमेर जो किलो है विश्व में एक अनूठो किलो है क्योंकि इनमें लोग 850 साल से रह रहे हैं और बाहर तक भी किलेर मई करीब 300 घर है और करीब 2000 जना किलेर मई निवास कर रहा है। लेकिन वे साथ साथ में इतु पुराण होने की वजह से समस्याओं भी बहुत सामने आ रही है क्योंकि टूरिज्म और जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है दोनों मतलब एक ही से केला दो पहलू है। अगर जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है वो नहीं रह से तो टूरिस्ट नहीं आ से और टूरिस्ट नहीं आ से तो जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो इसमें लोगों रो है वो टूरिज्म माथे डिपेंडेंट है सारो तो वो पॉसिबल नहीं हो से। ये सारो कंजर्वेशन संरक्षण और टूरिज्म साथ साथ चलना आवश्यक है। ये सारो 1996 में एक इंटैक्ट संस्था है एक एनजीओ संस्था है जो संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही तो वे चैप्टर इस्टेब्लिश की होगी और मैंने कन्वीनर बनाई गयो उसे बाद में करीब 3 से 4 करोड़ तक की राशि विदेश में लाए और जैसलमेर किले में संरक्षण सारू लगाई गई है। और आगे भी भविष्य में भी जो कि होगा बाहर से फंडिंग भेजी वहाँ इत आया वहाँ काम देखियो और मेरी बहुत प्रशंसा करी और आगे भी प्रोजेक्ट करण सारू दूसरा नया प्रोजेक्ट टेक ओवर करण सारू भी वहाँ सहमति दी है। और भविष्य में उम्मीद है कि जैसलमेर किले रखरखाव सारू वेरे अलावा जो हवेलियाँ हैं दूसरे जो को अपनी धरोहर है वे सारू भी मैं आगे प्रयास कर और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पैसे लाने की कोशिश कर सा और रखरखाव और प्रयास कर सा। जैसलमेर किले में जो जनसंख्या बढ़ रही है उनसे खास प्रभाव तो पानी से किले में हो रही है। ज़्यादा पानी होने की वजह से ज़्यादा पानी बिखराव होने की वजह से किले की जो को नीवियाँ हैं उसमें बहुत असर पड़ रही है क्योंकि किलो जो को बनेड़ो है एक तो मतलब पानी सहन करने के हिसाब से नहीं बनेड़ो है। तो खास मुद्दों यही है कि एक तो गवर्नमेंट ने सीवेज सिस्टम ठीक करना चाहिए दूसरों लोगों ने पानी रो इस्तेमाल कम करना चाहिए और बस एक बातों है जो लोगों ने करनी है क्योंकि वहाँ किलो है वहाँ ने भी ध्यान रखना है। जैसलमेर में बैकपैकर्स ज़्यादा आवे है और जो अपर क्लास टूरिस्ट है वो जैसलमेर नहीं पुग सके है तो बहुत ज़रूरी है कि फास्ट ट्रेन हुए फ्लाइट रेगुलर फ्लाइट हुए और फ्लाइट रूप अनाउंसमेंट पहल से हुए कम साल भर पहल से अनाउंसमेंट हुए तो लगे लोगों ध्यान रहे कि भी फ्लाइट ऑपरेट कर रही है।